जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को यह पता चलने वाला है कि आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती के एग्जाम डेट यहां पर टेंटेटिव निकल के आ चुका है। आज के इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है, साथ ही आपको बताने वाले हैं कि 4,660 पदों की जो वैकेंसी है, यही वैकेंसी यहां पर इंक्रीज होकर अब यहां पर 15,000 प्लस वैकेंसी होनी है। तो ये वैकेंसी 15,000 कब होने वाली है, और दूसरी बड़ी बात क्या है, आप सभी अपना फॉर्म स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, ये जानकारी भी मैं आपको देने वाला हूँ। आप सभी को बता रहे जानकारी के लिए कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा फॉर्म स्टेटस चेक करने का, आपको इस पर क्लिक करना है। तो आप सभी के सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप सभी को ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। अभी जैसे आप सभी यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं तो इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप सभी फॉर्म भरते समय जो भी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर दिया होगा आपको यहीं पर फिलअप कर देना है। आपने जो भी पासवर्ड क्रिएट किया होगा उस पासवर्ड को आपको यहाँ पर लिख देना है। इस कैप्चा को उठा के आपको यहाँ पर रख देना, फिर आपको लॉग इन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आइए मैं यहाँ पर एक आईडी और पासवर्ड फिलअप करके मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे आप सभी यहाँ पर आईडी पासवर्ड फिलअप करके इस पर क्लिक करेंगे लॉगिन पर, तो आप सभी के सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। तो मैं आप सभी को बता दूं अब आपको आगे यहाँ पे करना क्या है। तो देखिए, आप सभी को बता दें कि आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप सभी अगर 100% सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो आप सभी जीएस, मैथ और रीजनिंग के इन पीडीएफ को लेकर पढ़ लीजिए, आप अपना आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का एग्जाम पास कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो जीएस के क्वेश्चन लिए गए हैं आपके एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, और यहीं पर मैथ और रीजनिंग के जो टॉपिक इस पीडीएफ में इंक्लूड किया गया है वो आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, जिससे आप भी अपना आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में एक सीट पक्का कर सकते हैं। कुल आप सभी को 4,000 प्रश्नों का संग्रह मिलेगा इस पीडीएफ में, और 4,000 प्रश्न और उत्तर आपको दोनों दिए जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी मजबूत होगी और आप आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में सिलेक्शन पा सकते हैं। पिछले साल के भी आप सभी को कुछ क्वेश्चन देखने को इसमें मिल जाएगा, और ये सारी चीजें आपको मिलने वाला है सिर्फ 89 रुपीज में। सिर्फ 89 रुपीज में आप सभी ये सारी चीजें पा सकते हैं। अगर आज आप 89 और 90 रुपए लालच ना करते हुए इन पीडीएफ को लेकर पढ़ते हैं, तो आप आगामी भर्ती में अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। यहां पर आपको क्यूआर कोड दिख रहा होगा, आप इसे स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, और पेमेंट का स्क्रीन शॉट लेकर इस व्हाट्सएप नंबर भेज देना है। यह एक व्हाट्सएप नंबर है, इसी पर आप सभी को पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेज देना है। टीम आपको यहां पे पीडीएफ प्रोवाइड करा देगी, पीडीएफ दे देगी, चिंता आपको नहीं करना है। यह आपके लिए ही पीडीएफ बनाया गया है, आरपीएफ वाले बच्चों के लिए ही पीडीएफ बनाया गया है। चाहे आप कांस्टेबल तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसआई तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए पीडीएफ है। तो आप इसे लेकर जरूर पढ़ें। आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के काफी सारे बच्चों ने लेकर पढ़ा है, तो आप भी इसे लेकर जरूर पढ़ें। चलिए, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो यदि आप भी आरपीएफ कांस्टेबल एसआई तैयारी कर रहे हैं, तो आपका एग्जाम जो है बहुत दूर नहीं है, एग्जाम बहुत ही करीब आप सबके आ चुका है। तो अगर आप 89 की पीडीएफ लेकर पढ़ते हैं, तो आप आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से आपको तैयारी करना है, मैं मानता हूं आप बहुत जगह से तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपको वहाँ पढ़ने की आवश्यकता है जहाँ से आपके पेपर में आ सकता है। तो आप उन पीडीएफ को लेकर पढ़िए जहाँ से आपके क्वेश्चन भेजने वाले हैं, ठीक है। तो आप 89 की पीडीएफ लेकर जरूर पढ़िएगा, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे आप सभी को फॉर्म चेक करना है, तो यहां पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखेगा, उसके बाद एप्लीकेशन हिस्ट्री का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको यहां पे एप्लीकेशन हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अभी जैसे आप सभी यहां पे एप्लीकेशन हिस्ट्री वाले ऑप्शन क्लिक करेंगे, तो आप सभी के सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आप सभी को पोस्ट नेम दिख रहा होगा, और अगर आप सभी कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए फॉर्म अप्लाई किया होगा, तो नीचे आप सभी को एसआई का भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहां पर इस बच्चे ने सिर्फ कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया है, तो कांस्टेबल का यहां पर दिखाई पड़ रहा है, और एप्लीकेशन स्टेटस में यहां पर कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, पेमेंट स्टेटस में यहां पर दिखाई पड़ रहा है। तो मैं आप सभी को बता दूं, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई वाले बच्चों के लिए यहां पे एक बड़ी अपडेट क्या है। अपडेट यह है कि कभी भी आप सभी के फॉर्म स्टेटस यहां पे शो हो सकते हैं, क्योंकि आप सभी के फॉर्म एक साथ यहां पे चेक होंगे, और एक साथ आप सभी के एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे रिवार्ड मतलब अपडेट किए जाएंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन स्टेटस में यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा था, और पेमेंट स्टेटस में यहाँ पर ऐसा दिखाई पड़ रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे इसको बदल दिया गया है। अब एप्लीकेशन स्टेटस में ऐसा दिखा रहा है और पेमेंट स्टेटस में सक्सेस बता रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप सभी के फॉर्म जो है एक साथ यहाँ पे स्क्रूटनी के प्रोसेस में जाएंगे, और एक साथ ही यहाँ पे आपके अकाउंट को अपडेट किया जाएगा। आप जब अपना लॉग इन आईडी पासवर्ड डालकर फिलअप करेंगे और देखेंगे, तो एप्लीकेशन स्टेटस में यहाँ पर बहुत जल्द आप सभी को सक्सेस यहाँ पे अप्रूव दिखाई पड़ेगा, या फिर यहां पे आप सभी का सक्सेस यहां पर भी लिख के आ जाएगा, ठीक है। तो चिंता आपको नहीं करना है। पेमेंट का जो वेरीफाई था वो यहां पे कर लिया गया है, और बता दिया गया है कि फॉर्म आप सभी ने फिलअप किया है, तो आपका पेमेंट यहां पे सक्सेस हो चुका है, ठीक है।
अभी यहाँ पे हो सकता है आप सभी को सिर्फ इंतजार करने का, लेकिन कभी भी आप सभी के यहाँ पे अकाउंट को अपडेट किया जा सकता है। तो एक बार आप सभी अपना आईडी अपना पासवर्ड फिलअप करके जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा कैसे आप सभी यहाँ पर अपना फॉर्म स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एग्जाम को लेकर, जो कि लगातार बच्चे परेशान हैं। तो मैं आप सभी को बता दूँ कि अगर आप यहाँ पे कॉन्स्टेबल एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के एग्जाम में यहाँ पे आपको पता होगा 120 क्वेश्चन आएंगे और 120 नंबर का रहने वाला है। आप यहाँ पे तुक्का नहीं लगा सकते क्योंकि 1/3 का निगेटिव मार्किंग है। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपको वही करने हैं। और पेपर में बहुत ही बड़ी बात होती है, जो क्वेश्चन आपको आ रहे होते हैं वो आपको पेपर में मिल जाए। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 8-9 रुपीज की PDF है, आप लेकर जरूर पढ़िएगा। कैसे लेना है मैंने आपको बता दिया है। अगर आप लेकर पढ़ते हैं तो आपके काफी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तब आपको इसके बारे में पता चलेगा कि अगर मैं लेकर पढ़ा होता तो क्या होता। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है, आपको 8-9 लेकर PDF पढ़ना है और अपनी तैयारी को मजबूत बनाकर अब की बार अपने RPF कांस्टेबल एसआई में आपको अपनी एक सीट यहाँ पे पक्की करनी है। ठीक है, आपको यहाँ पे टोटल 90 मिनट के अंदर 120 क्वेश्चन हल करने होंगे, जिसमें से 35 क्वेश्चन आप सभी के मैथ होंगे, 35 क्वेश्चन आप सभी के रीजनिंग होंगे, 50 क्वेश्चन सिर्फ आप सभी के GS से होने वाले हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप सभी देखना है और अपनी तैयारी को मजबूत तरीके से करना है। और एग्जाम की बात करें, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे सितंबर का महीना लग चुका है, तो अक्टूबर के लास्ट में आपके एग्जाम यहाँ पे शुरू होने के पूरे पूरे उम्मीद हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कभी यहाँ पे रेलवे में NTPC की भर्ती आई और इसका अप्लाई चलते चलते RPF कांस्टेबल SI का भी यहाँ पे एग्जाम की तैयारी जो है कंप्लीट करवाई जाएगी। आपके एग्जाम को यहाँ पे RRB कंडक्ट करवाएगा। तो RRB क्या होता है कि जिस प्रकार से एग्जाम आप सभी का लेता है, जिस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को RRB के द्वारा मिलता है, तो इसी सारी चीज़ों को देखते हुए आप सभी यहाँ पर 8-9 की PDF लेकर पढ़ सकते हैं। उसमें उसी क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है, जिससे आप सबकी तैयारी जो है बेहद मजबूत होगी और आप आगामी भर्ती में अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। तो आपको बता दें ये सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पर होने वाला है। और मैं आपको बता दूँ अक्टूबर लास्ट और यहाँ पे नवंबर तक आपके एग्जाम चलेंगे। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अक्टूबर के लास्ट में एग्जाम शुरू होने की संभावना है और नवंबर तक आपके एग्जाम चलेंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 10 से 15 दिन आप सभी के एग्जाम चलेंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो तैयारी में आप सभी लग जाइए, समय आपके पास बहुत कम है। अगर आप आज पढ़ाई करेंगे तभी आप RPF कांस्टेबल SI में सिलेक्शन पा सकते हैं। और यहाँ पर वैकेंसी आप सबकी बढ़ेगी क्योंकि 4,660 वैकेंसी है। यही वैकेंसी बढ़कर आप सबकी कम से कम 15,000 प्लस वैकेंसी जाएगी। क्यों जाएगी आपको बता दें, क्योंकि रेलवे में जो भी वैकेंसी निकल के आई सारी वैकेंसी इंक्रीज हुई सिवाय RPF को छोड़कर। तो RPF की वैकेंसी भी यहाँ पे इंक्रीज होगी। बस आपको आवश्यकता है यहाँ पे तैयारी करने की, कहीं ऐसा ना हो जाए वैकेंसी इंक्रीज हो जाए, आप सभी तैयारी न किए हो तो आपका एग्जाम भी जल्द से जल्द यहाँ पे हो जाए। ठीक है, तो ऐसी गलती न करते हुए आपको यहाँ पे अपनी तैयारी पर विशेष ध्यान देना है। तो चलिए फिर आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। आप यहाँ पे अगर मान चले तो अक्टूबर लास्ट समझ के आप सभी अपने एग्जाम की तैयारी करिए। एग्जाम की तैयारी अगर आप करेंगे तभी आप सिलेक्शन लेकर जाएंगे। टेंटेटिव डेट है, इसमें बदलाव किया जा सकता है एग्जाम डेट में। तो ऐसी गलती नहीं करना है कि आपको किसी भी कारण यहाँ पे परेशानी हो। और जो बच्चे बोल रहे हैं 2024 में एग्जाम ही नहीं होगा, तो कहीं वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे अंधविश्वास में रखना चाहते हैं, तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है। आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर चलना है। अगर आप तैयारी करेंगे तभी आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप पीछे कई सारे एग्जाम दिए होंगे, आपको उसमें उसका रिजल्ट देखने को मिल गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।